डबरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी सुमन ने आज अपना नामांकन भरने से पूर्व चिनोर चुंगी स्थित हनुमान जी के मंदिर पर दर्शन करने पहुंची। इस दौरान उनके साथ पति पुत्री और दामाद रहे। मंदिर के दर्शन के दौरान इमरती देवी अपनी पुत्री से गले लगकर भावुक हो गई। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इमरती देवी के साथ मौजूद रहे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इमरती देवी कई बार नामांकन दाखिल कर चुकी हैं, काफी अनुभवी हैं। इस बार हमारा झंडा डंडा एक है, इसलिए हम साथ जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इस बार इमरती देवी की जीत का आंकड़ा 80,000 के पार होगा। सबसे बड़ी बात, इस दौरान इमरती देवी के साथ उनके पति पूरन सुमन नजर आए, जिनका साफ तौर पर कहना था, पहले मैं सरकारी नौकर था इसलिए नहीं दिखता था, पर आज मैं हर जगह दिख रहा हूँ। मैं पहले भी उनके साथ था, मैं आज भी उनके साथ हूँ, पर सबसे बड़ी बात यह है, पहले इमरती की पहचान मुझसे थी, आज मेरी पहचान इमरती से है। इस अवसर पर इमरती देवी ने अपनी जीत का भरोसा दिलाते हुए ये कहा, क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, इसलिए इस बार अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर और भी बड़ी जीत दर्ज कराएंगी। आपको बता दें, नामांकन दाखिल कर चुकी इमरती देवी काफी ज्यादा चर्चा में हैं। नामांकन से पहले इमरती देवी ने नरोत्तम मिश्रा के पैर छुए, नरोत्तम मिश्रा का आशीर्वाद लिया, अपनी जीत का भरोसा यहाँ पर दिलाते हुए इमरती देवी ने कहा कि इस बार जीत मेरी होगी, मैं पुराने आंकड़ों को तोड़कर जीतूंगी। आपको बता दें, इमरती देवी के कई वरिष्ठ नेताओं के पैर छूने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं और अब उन नेताओं में नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल हो गया है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।